जग सजन नु लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। तै जग सजन नु लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। तै जग सजन नु लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। तै जग सजन नु लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। जग सजन नू लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। उन जग सजन नू लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। जग सजन नू लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। तै जग सजन नू लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। करोड़ां बर में, करोड़ां बर में, करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। करोड़ां बर में, करोड़ां बर में, करोड़ां बर में, करोड़ां बर में। करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी। करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी। करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु। करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु। करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी। करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी, करोड़ां शिव जी। करोड़ां सूरज, करोड़ां सूरज, करोड़ां सूरज, करोड़ां सूरज। करोड़ां सूरज, करोड़ां सूरज, करोड़ां सूरज, करोड़ां सूरज। करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में। करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में। करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में। करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में, करोड़ां चंद्र में। करोड़ां इंद्र जी, करोड़ां इंद्र, करोड़ां इंद्र, करोड़ां इंद्र। करोड़ां इंद्र, करोड़ां इंद्र, करोड़ां इंद्र, करोड़ां इंद्र। करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा। करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा। करोड़ां लक्ष्मियां, करोड़ां लक्ष्मियां, करोड़ां लक्ष्मियां, करोड़ां लक्ष्मियां। करोड़ां लक्ष्मियां, करोड़ां लक्ष्मियां, करोड़ां लक्ष्मियां, करोड़ां लक्ष्मियां। करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा। करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा, करोड़ां दुर्गा। करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु, करोड़ां विष्णु। 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 करोड़ां नवग्रह, करोड़ां नवग्रह, करोड़ां नवग्रह, करोड़ां नवग्रह। करोड़ां नवग्रह, करोड़ां करोड़ां नवग्रह, करोड़ां नवग्रह। करोड़ां समुंदर, करोड़ां समुंदर, करोड़ां समुंदर, करोड़ां समुंदर। करोड़ां समुंदर, करोड़ां समुंदर, करोड़ां समुंदर, करोड़ां समुंदर। जग सजन नू लाए करोड़ां बर में, करोड़ां बर में।
तैं जग साजन नूं लाए करोड़ां बार में करोड़ां बार में वाहिगुरु जग साजन नूं लाए वाहिगुरु जग साजन नूं लाए करोड़ां भर में करोड़ां भर में तैं जग साजन नूं लाए करोड़ां भर में करोड़ां भर में मेरे वाहे गुरु तेरा अंत ना कोई जाने प्यारे वाहे गुरु तेरा अंत ना कोई जाने मेरे वाहे गुरु तेरा अंत ना कोई जाने वाहे गुरु तेरा अंत वाहेगुरु तेरा अंत ना कोई जाने प्यारे वाहेगुरु तेरा अंत ना कोई जाने प्यारे वाहेगुरु तेरा अंत ना कोई जाने कोट ब्रह्मे जग साजन लाए काल पुरख की दे मकोट अपवेशन मेज कोट इंदर ब्रह्मा की तेरा वसस क्रोर जलेस कोट सूर जाके प्रगास कोट महादेव अर कबलास दुर्गा कोट जाके मर्दन कर करोड़ा हिंजड़ा दुर्गा जिसका मर्दन कर दे सेवा ब्रह्मा कोट वेद उचरा करोड़ा ब्रह्म जड़े वेदा का उच्चारण करते हैं भगत कबीर जी महाराज फरमाते हैं जो जा जा तो केवल राम जो तो मंगना तो परमात्मा दे ते तो नाम जड़ा है मंगते हाँ आम देव से ना ही काम साढ़ा होर देवी देवत्या तक कोई मतलब नहीं कबीर जी महाराज कहें कोट चंद्र में करह चराक जिमें दीवे जड़े हैं चरणा करते हैं करोड़ों चंद्र में जड़े हैं तेरे चिराग ने दीवे ने तेरे सुर तैती सौ जेव है पाक तेती करोड़ देवी देवता नवग्रह कोट ठंडे दरबार करोड़ों नवग्रह जड़े हैं तेरे दरबार विच खड़े हैं धर्म कोट जाके प्रतहार धर्मराज भी करोड़ा ही जड़े हैं सच्चे पातशाह धर्म कोट जाके प्रतहार पवन कोट चौवारे फिर करोड़ा तरह की पवन पवन देवते वासक कोट सेज विस्तर है वासक जड़ा हैगा नाग की सेजा के उत्ते भगवान विष्णु जी का आसन मनिया जाता है तो करोड़ा जड़े हैं वासक ने तेरिया सेजा जड़िया हैं सजाने वाले समुद्र कोट जाके पानी हर करोड़ा समुद्र तेरे पानी भरने वाले ने हे परमात्मा रोमावल कोट अठारह पार बनस्पति मनी गई है ये भी करोड़ा हैं कोट कमेर भर है भंडार कबीर ने जड़े हैं एक कबीर ने इन भंडारी मनिया गया है तो करोड़ा ने कबीर कोट लक्ष्मी करे सिंगार एक दो चार ने करोड़ा लक्ष्मिया हैं कोट कपाप पुन बहु हर है इंद्र कोट पाप उन्होंने हरन वाले जड़े होंगे अपना जम आदक धर्मराज इंद्र कोट जाके सेवा करें करोड़ा इंद्र जिस दी सेवा करने वास्ते तैयार ने छप्पन कोट जाके प्रतहार नगरी नगरी ख्यात अपार लट छोटी वर्ता विकराल कोट कला खेल है गोपाल भगवान कृष्ण जी जिमें अपना खेलते सन वे करोड़ा ने कोट कला खेल है गोपाल कोट जग जाके दरबार जिस दे दरबार दे विच गंधर्व कोट कर है जाकार जिहड़े गंधर्व गाउण वाले रागी जिहड़े मन्ने ने अपना रागियां जिहड़े अपना स्वर्ग लोक दे रागी देव लोक दे रागी गंधर्व मन्ने गए हन ते उह जिहड़े ने करोड़ां जय जयकार करदे हन विद्या कोट सबै गुण कहै तौ पार ब्रह्म का अंत न लाहै फिर भी पार ब्रह्म परमेश्वर का अंत नहीं पाया जाता है तौ पार ब्रह्म का अंत न लाहै वावन कोट जाकै रोमावली जिसते एक एक रोम जड़ा है बावन कोट जाकर रोमावली रावण सेना जहते शली रावण दी सेना भी जिसने जड़ा है छल लिया
सहस कोट बहु करत पुराण प्राण जड़े हैं 18 प्राण मन्ने गिन करोड़ा जड़े हैं सहस नाम हजारा हजारा करोड़ा जड़े हैं दुर्योधन का मथ्या मान दुर्योधन का भी नाश कर दिता जिसने कंदरप कोट जाकर लवे न तरह अंतर अंतर मनसा हरे कह कबीर सुन सारग पान हे वाहिगुरु हे परमेश्वर देह अपै पद मांगो दान अपै पद दान दियो नाम दा दान दियो कबीर जी महाराज कहते हैं मेरा किसी होर जड़ा है देवती देवी देवते तक जड़ा है मतलब नहीं आन देव से नाही काम जो जाता जा चौथा केवल राम जद भी मंगता है मैं नाम की दात ही मंगता मेरा होर देवी देवत्या तक मतलब नहीं तो करोड़ा करोड़ा ही हैं परंतु अकाल पुरख एक है परमात्मा एक है होर सारे जड़े हैं करोड़ा हैं तो अकाल पुरख जो है परमेश्वर है वह बहुते नहीं हैं वो एक है परमेश्वर सो इस करके ब्रह्मा भी करोड़ा हैं बाणी विच दसदे हैं मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना कोई जाने प्यारे वाहिगुरु तेरा अंत ना कोई जाने मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना कोई जाने प्यारे वाहिगुरु तेरा अंत ना कोई जाने जग सजन नू लाए करोड़ां भर में तैं जग सजन नू लाए करोड़ां भर में वाहिगुरु जग सजन नू लाए करोड़ां भर में तैं जग सजन नू लाए श्री जपजी साहब जी की विचार सरवण कर रहे हो श्री जपजी साहब के अंदर पंजा खंडा का जो वर्णन गुरु नानक पातशाह जी ने किया है वह सरवण कर रहे हो सो ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिख मन दी जाए तरणी सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अंतर्यामी दृष्टि दे मालक सृष्टि दे करता हरता आप नारायण कलातार जग महि परवरिया गुरु नानक पातशाह तो की छुपया है संसार दे विच इस ब्रह्मांड दे विच इस पुलाड़ दे विच कितों कितों तक सृष्टि है ये सब सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुत सारा जो वर्णन कर दिता है जपजी साहब दे अंदर धर्मखंड का भी जिहड़ा नक्शा इत्थे खिंच दिता है वो धर्मराज की पुरी का नक्शा इत्थे खिंच दिता है उन्हां जीवां जनता का यह समर्था है सतगुरु दी गुरु जी की जिन्होंने दिव्य दृष्टि नेत्रां दे नाल सुखनी साहब के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस्तत करा अनेक जनंत ना पारा पार नानक रचना परवरची बहुविध अनक प्रकार कि वाहिगुरु ने किन्नी बहुत तरीकों की जिहड़ी रचना रची है फिर कई कोट होए पुजारी कोई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थ वासी कई कोट मन परमे उदासी
कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट कव काव विचार कई कोट राजस तामस सातक सतो गुण जड़े हैं ये भी करोड़ा हैं राजस राजसी तामसी सातकी सुभाव ही होंगे सो इस करके महाराज जी ने सारा जड़ा है सृष्टि का जो उगाड़ है ये जड़ा है वर्णन का किया है सो गुरु नानक पातशाह जी जड़े हैं ये पंच खंडा का वर्णन जो पिछे तुसी सुन चुके हो धर्म खंड का जड़ा वर्णन धर्म खंड जो जिथे करमी करमी होए विचार जिथे कर्मां दी विचार होंदी है सच्चा आप सच्चा दरबार परमात्मा सच्चा हुदा दरबार भी सच्चा उत्थे कोई अन्याय नहीं है सो ये धर्म खंड का वर्णन पिछे आ चुकिया है कि राती रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवी धरती थाप रखी धर्म सालिक धरती धर्म सारूपी धरती जिहड़ी है जिवें धरती है इस तरह वह थाप रखी है वह खंड जिहड़ा है तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल तिसवी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार सो वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा आप सच्चा उसका दरबार भी सच्चा तिथे सोहेन पंच प्रवान परमात्मा ने प्यारे उत्थे सोभा पाउंदे हन वडियाई पाउंदे हन जिथे पापी पुनिया नूं अपने उन्हां दे कर्मां दा सा पाप करन वालियां नूं तां फिर जिहड़ा हैगा किन्नियां किन्नियां भयंकर भयंकर सजावां जिहड़ियां मिलदियां ने किन्ने नरक भुगताए जांदे हन उन्हां नूं उह वी बाणी दे विच दर्ज है मुल्लो सतनाम उन्हां नूं की सजावां मिलदियां हन चंगियाईयां बुराईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर परंतु जिन्हां ने भगती कीती है नाम जपिया जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਜਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਸੋ ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਨ ਨਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਨ ਕੱਚ ਬਗਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਇਓ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾਖੋ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਘਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਣ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਗਿਆਨ ਖੰਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸੋ ਬੋਲੈ ਜੋ ਵੇਖੈ ਆਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਣ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ
केते भर में काड़त कड़ी है, किन्ने ही भर में काड़त करने वाले, रूप रंग के वेश किन्ने, रूप किन्ने रंग किन्ने वेश रूप केतिया पर, कर्म भूमि मेर का एक कर्म भूमि एक ही नहीं एक कर्म भूमि है जिथे कर्म किए जाने किन्निया उस अंतर्गत ज्ञान खंड के अंतर्गत किन्नी कर्म भूमि आ जांदियां ने कितिया कर्म भूमि मेर केते किन्ने ही मेर समेर पर्वत जड़े हैं केते केते धूप दे पत ध्रुव भी कमाते हैं परंतु महाराज जी तो कहते अणगिणते ही ध्रुव अणगिणते ही उपदेश देने वाले हैं केते इंद चंद सूर केते किन्ने ही इंद्र किन्ने ही चंद्रमे किन्ने ही सूरज किन्ने ही जन केते केते मंडल देश केते ते जड़ा विश्राम लाई जाना अगला केता दूसरी पासी पढ़ना जिमें अपना केते इंद चंद सूर केते इत्थे रुकना जाके जो पढ़ना ना इस तरह पढ़ना फिर जड़ा अपने आप अर्थ होने लग जाते इसमें विश्राम सही ला अपना सही विश्राम ला के पढ़िए केते पवन पाणी वैसंतर इत्थे तो वैसंतर ते आऊगा केते कान मेस केते भर में कारत करिया रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते इत्थे रुकना केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते फिर केते मंडल देश किन्ने ही जड़े हैं मंडल ने इसका कोई अंत नहीं है केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते कितने ही जड़े हैं सिद्धियां नूं प्राप्त होए किते किन्ने बुद्ध किन्ने ही नाथ ने किते देवी वेश किन्ने ही देवी वाले वेश धारे किते हुए जिन्हां ने केते देव दान बमुन केते केते रतन समुंद किन्ने ही रतना दे समुंदर ने भरे केतिया खाणी केतिया बाणी किन्निया तरह दिया खाणिया ने किन्निया तरह दिया बाणिया ने वाहिगुरु ही जानता है सो ये ज्ञान खंड विच जड़ ज्ञान दा प्रचंड हुंदा है केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद्र नरेंद्र इंद्र दिया जड़िया किन्निया ही पंगतियां ने भाव किन्ने ही हन ओह वी धन गुरु नानक पातशाह जी फरमान करते हैं कीतिया सुरती सेव केते जड़िया सुरतियां दे ज्ञान शास्त्रां दे वेदां दीयां सुरतियां किन्ने ही सेवक ने ते किन्ने ही होणगे किन्ने हन किन्ने ही होणगे कीतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत कोई अंत नहीं है ये जड़ा है सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फिर हुण एक ज्ञान खंड दा जड़ा हैगा वर्णन किया है ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड ज्ञान खंड दे अंदर ऐसा ज्ञान दा तेज है ज्ञान प्रचंड प्राप्त हुंदा है सो आम संसारक जीव दी किसे दी समर्था नहीं है उसका कोई वर्णन कर सके ये गुरु नानक पातशाह जी हैं क्योंकि खुद मालक ने उस सृष्टि दे लखां कास लखां पाताल कौन दिखा सकता है सिर्फ गल्लां तां चलो करन वाली दुनिया कोई कुछ भी कह सकता है परंतु सतगुर सच्चे पातशाह ने दिखाए भी हैं लखां आकाश लखां पताल किते ये सारे दिखाए हैं से वह भी दिखा सकते हैं उन्हां जिहड़ा है धर्मखंड दे विच कईआं दे नाल ऐसे वर्तारे भी वरत जाते हैं सो बहुत सारिया इस तरह साखियां कहानियां हैं सो ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड अगे जिहड़ा है वर्णन करते हैं अगे सरम खंड का ध्यान ला के सुनो ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड ऐसा ज्ञान खंड दे विच प्रचंड ज्ञान प्राप्त हुंदा है प्रचंड बहुत मतलब तेज जिहड़ा हैगा तेज प्रकाश तेज ज्ञान प्रचंड ऐसा ज्ञान जिहड़ा है प्रचंड हुंदा है तिथे नाद विनोद कोड आनंद की है उत्थे भाई तिथे नाद अनहद नाद जिसका कोई पारावार नहीं ऐसा आनंद सरमखंड दे विच तिथे नाद विनोद विनोद भी बहुत आनंद जिवें कपन सुन के आनंद प्राप्त करदे इक देख के आनंद प्राप्त करदे कोड कहिंदे ने कौतक बहुत ही विचित्र जड़े हैं आनंद जड़े हैं प्राप्त होंदे ने तिथे नाद विनोद कोड आनंद कोड नाम करोड़ा करोड़ा नाम अपना अपना कोड नाम जड़े हैं कौतक कौतक कोड तमाशिया करोड़ा है तेरा चित नाव सुनाओ इस संसार दे जड़े हैं उत्थे परंतु जड़े हैं सच्चा जड़ा है सच्चा नाद जड़ा सच्चा आनंद जड़े हैं विनोद जड़े हैं प्राप्त होंदे हैं सरम खंड की बाणी रूप सरम खंड दा वर्णन है ये पहला ज्ञान खंड दा वर्णन आ गया तीजा जर सरम खंड है सरम खंड
अपना बिस्मई बिस्माता ते ऐसके एक अपना सरमनाम अपना जिहड़ा हैगा कि जिन्हां वाहिगुरु बख्शिश नदर अपनी सरम पई नारायण नानक दर पई आहो जो उसके शर्म के पै गए कि परमात्मा ने अपनी शर्म के अपने बना लिया है अपने दर के उत्ते जड़े पै गए हैं उसकी बख्शिश के पात्र बन गए हैं उसकी नज़र के पात्र बने हुए जड़ियाँ रूहां ने वो जो गुरमुख ने उस देश के जड़े हैं वासी हैं उत्थे तक पहुँच जो रखने वाले जो संसार दिखता है ये जड़ा हैगा अपना जिमें सुनिया सी जड़ी साड़ी दृष्टि है बहुत ही ज़्यादा दूर तक नहीं जाती यह अस्थूल नेत्र हैं अस्थूल नू देखते हैं सूक्ष्म नू देखने वाले दिव्य दृष्टि नेत्र जड़े प्राप्त होते हैं। सो सरमखंड की बाणी रूप वो जड़ी बाणी है सरमखंड की बाणी है वो रूप है तो प्रधानता की है सरमखंड दे विच अपना ऐसा रूप विचित्र बमोहन बमोहनी रूप सर्वखंड की बाणी रूप। सो सर्वखंड दे अंदर जड़ी सर्वखंड दी की प्रधानता है जिथे काड़त घड़िए बहुत अनूप सर्वखंड दा जड़ा है ऐसी बाणी सुंदर रूप जड़ा है बाणी दा है ते तिथा घाड़त घड़िए बहुत अनूप बहुत उपमा तो रहत जड़ी है घाड़त उत्थे घड़ी जांदी है भाई बाणी दी घाड़त इतों तक मन मत बुद्ध की भी घाट सारी है उपमा तो ऐसा घाटत घड़िया जासी अपना जोत का प्रकाश हों ऐसी सुंदरता ऐसा स्वरूप जड़ा है प्राप्त हों इसकी जड़ी है स्वरूप जड़ा है बदल जाता है इस आत्मा का जोत स्वरूप जड़ी हैगी ऐसा प्रकाशवान हो जाता है सर्वखंड की बाणी रूप। सो जड़ी है उसकी जड़ी है सुंदरता जड़ी है रूप प्रधानता है बाणी प्रधान बाणी नाम प्रधानता भी उत्थे दी उत्थे दी कोई खास गल उत्थे दी शक्ति उत्थे दी प्रधानता की है रूप सर्वखंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़ी है बहुत अनूप उत्थे बहुत उपमा तो रहत जड़ी है घाड़त घड़ी जाती है ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे गुरु नानक पातशाह जी कहिंदे उत्थे दीआं गल्लां जिहड़ियां भाई दस्सियां नहीं जांदियां कहियां नहीं जांदियां कथन विच नहीं आउंदे शब्द ही नहीं हैगे क्या उसका वर्णन करेगा ते इहदा सतगुरु जी समर्थ है उन्हां ने जो उन्होंने बाणी दे विच वर्णन कर दिते आम जिहड़ा अजीब उहदे कोल क्या शब्द होणगे क्या उदाहरणां देवेगा इह संसारिक उदाहरणां की ने कुछ भी है ने उन्हां वास्ते उदाहरण ही नहीं हन उस वास्ते उन्हों समझाने वास्ते उसनों तो कहबे कुछ नहीं देखा ही प्रवान। सो यह जिहियां घाड़त जिहड़ी है घड़ी जाती है ताकि गल्लां कथियां ना जाहे गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने उत्थे दी जिहड़ी गल्लां ने भाई उह कथन दे विच नहीं आउंदियां उह माणियां जा सकदियां ने इत्थे दी जवान नहीं है कि उसका वर्णन किया जा सके ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੀ ਘਾੜਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਮਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੱਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਮੱਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਇਹ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਸੁਰ ਨਾਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਕਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਸ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿਖਾਲਾ ਮਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਆਤਮ ਵਿਛੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਬੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪੱਤ ਪਗੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਰੂਹ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਬਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਸਰਬਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਝਲਕ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਝਲਕ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚਲਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਝਲਕ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਝਲਕ
चाल न चली जांदी है दी जोत नराली है, चाल न चली जांदी है दी चल के नराली है, चाल न चली जांदी है दी जोत नराली है, चाल न चली जांदी है दी चल के नराली है। सो जड़ी उस जोत दा उह दर्शन दा उस रूप दा जड़ा है चाल जड़ी है चली नहीं जा सकती, वह जड़ा हैगा वखरी जड़ी है एक जोत दी आबा प्रकाश नूरो नूर जिसनों कह सकते हैं सानू खंड विच पौंतियां जड़िया आत्मावां हन जड़िया पुग खलोतियां जड़िया गुरमुख रूहां हन उन्हां दी जड़ी हैगी बाणी रूप उन्हां दी जड़ी कारत उपमा तो रहत उन्हां दी गल्लां कथियां नूं कहण कथन तो बाहर हन, जे को कह कथन की कोशिश करता पछताउणा ही पैंदा कहा नहीं जा सकता, सुरत जड़ी है मत मन बुद्ध यह सारा अंतुष्करण जड़ा है बदल जाता है, सो मन बुद्ध बदल जाती है तिथे घड़िया सुरां सदा की सुध जड़ी है उत्थे जड़ी है यह जी जड़ी हैगी अपना मत जड़ी है वह जड़ी है घड़ी जाती है। सो यह सर्वखंड का जड़ा है गुरु महाराज जी ने वर्णन किया है गुरु नानक पातशाह जी ने। सो हुण इत्थे दी है सर्वखंड की बाणी रूप, सर्वखंड की जिहड़ी बाणी है प्रधान तो रूप है, अगे कर्मखंड का दसणगे कर्मखंड की बाणी जोर, कर्मखंड की जिहड़ी प्रधानता है कर्मखंड की जिहड़ी बाणी है वह जोर है, कैसा बल उन्हां दे अंदर जिहड़ा है प्रगट हुंदा है। सो इस करके अगले खंड दे अंदर कर्मखंड दे अंदर वर्णन करनगे गुरु नानक पातशाह सच्चे पातशाह जिन्हां ने यह जिहड़ी है रहमत कीती जिन्हां दी बाणी दी विचार तुसीं जिहड़ी है यह सरवण कीती है कि धर्म खंड दा ते ज्ञान खंड दा ते सरवखंड दा अज जिहड़ा आपां ने विचार कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन कृपा करन साढ़े सारिआं दे सिर ते मेहर प्रयात रखन भगती की दात बख्शिश कर नाम दियां दातां प्रदान करन। सो यही जिहड़ी है रूहानियत मंडलां विच जाण दे जे कोई लायक जिहड़ी आत्मा बनती है जिहड़ी इत्थे सब तो पहलां तो उहदी धो धुआई कीती जांदी है ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਤਰ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਆਮ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਉ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦਿਉ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ ਰੂਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ ਅਸੰਖਾ ਅਣਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਾਟੀ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਮਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਤੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋ ਖੋਜਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰਕੀ ਮੈਂ ਪੌਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੌਣ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਘੱਟ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਉਹ ਕੀ ਖੋਜਣਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੌੜੀ। ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ ਨ ਲਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਪ, ਕੁਲਪ ਨਾਮ ਜਿੰਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਨ, ਸਮਾਨ, ਵਿਆਨ, ਉਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਬੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਤਤ ਬੁੱਧ, ਤਤ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੋ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਖਾ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵਸੈ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ, ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸਹੇਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਲਾ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੈ, ਨਾਹੀਂ ਅਵਰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਦੇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ, ਇਹੋ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲ ਅਫਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁਣੇ, ਨੌ ਖੰਡ ਭਾਰਤ ਖੰਡ, ਅਖੰਡ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨੌ ਖੰਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਵਿਰਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਖੋਜਿਆ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਖੋਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਸੁਭੇਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕ ਸੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਮਾਦਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੋਜਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ, ਕੁਛ ਦਿਨ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਖੋ, ਅਸਲ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜੋ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਛਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜਗਤ ਧਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੋਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ।
जिथा जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सोहाव। हजूर साहब केड़ा स्थान प्रगट किया महाराज ने, सत युग का जड़ा है तप स्थान प्रगट किया, तीर मार के प्रगट किया महाराज ने, उत्थे साडा स्थान होगा, निशानियां भी उत्थों निकलियां ने, तो उतों ही तो फिर सोझी होंगी है। गुरुद्वारा होए सोझी पाए सी, सोझी सानू समझ पैंदी है। ये तख्तों की रचना गुरु महाराज ने आप की है सचखंड हजूर साहब। सो जड़ा हैगा जे जड़ा सच्चा गुरु का प्यारा गुरसिख है, जिसे बाणी नाल प्यार करता है, गुरस्थाना नाल भी प्यार करता है। तो एवें तो नहीं बाबा दीप सिंह जी वर्गे सीस तलियां ते रख रख के आ गए, कि किन्ना उन्हां दा प्यार सीगा गुरु नाल प्यार, गुरस्थाना नाल प्यार। तो बाबा दीप सिंह जी 80 साल की उम्र है, 4 सरूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने खुद लिखे ने, तो इन्नी उम्र हो चुकी है, सारी जिंदगी जी गुरु की सेवा कटते, गुरु दशमेश पातशाह के नाल रहे, एक सिर्फ कला दर्शन नहीं किया, एक सेकेंड दो सेकेंडा का, तो नाल ही रहे, नाल सेवावां कीतियां, सारिया जंगा कीतियां, फिर हरिमंदर साहब वास्ते सरतली ते रख के तुर पे, सरतली ते रख के आ गए। तो होर किन्निया बाबा सुखा सिंह, बाबा महताब सिंह जी वर्गिया दियाँ, तो जो आम ही बिल्डिंग ही है कोई नहीं, आवाज साफ कर लाँगे है बिल्डिंग सी, फिर वह नहीं हरिमंदर सचखंड है। तो फिर जड़ा है अपना यह सेवावान ये परख, बाकी वाहिगुरु के गुरु की गहन का तो कोई जान सकता है, ये आम जीव की जान सकता है, अपने आप का इनू पता नहीं है, खाधे पीते का पता नहीं रहता है, अपने आप का पता नहीं कितों है कितने नहीं, असं गुरु दत की जान सकते हैं नहीं। सो इस करके एवें तो नहीं बाणी में लिखता डिठे सबे थां बड़िया थावान देखियां दुनिया देखी नहीं तुद जेहा, तेरे जग तेरे वर्गा नहीं देखा, डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहा, वदोह पुरख वधाते ता तू सोहया, वदोह पुरख वधाते, ये किसने बनया उस वधाते ने, अकाल पुरख ने आप बन बनया, एदा वाहिगुरू वाहिगुरू वदोह पुरख वधाते ता तू सोहया, ता ही सो रहा है, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, इस दुनिया के उत्ते गुरु जी ने सचखंड दिखाता है, परमात्मा दिखाता है, परमात्मा का दर दिखा दिता है, सो दार तेरा के आ सो करके आ। सो इस करके ये गुरु महाराज दी बख्शिशां तो असी अनजाण, असी अमोल के रहमतां दा असी मुल नहीं पाया, असी बेसमझी दे विच। सो डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहा, वदोह पुरख वधा दिता तू सोहया, बस दी सगन अपार अनूप रामदासपुर, गुरु रामदास थोड़ी पूरी उपमा तो रहा था, जिथे गुरु है उथे सचखंड भाई, जिथे गुरु है जिथे परमात्मा है, जिथे गुरु नानक है गुरु रामदास महाराज है। देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, देवपुरी जाते हैं गुरु रामदास महाराज, हर संघासन दियो श्री गुरु तह बठायो। सो ये जड़िया मंजिल इसनों हूँ कोई आम इंसान जड़ा है की समझेगा की जानेगा। सो ये बाणी की जिहड़ी विचार है, बाणी की खोज शरदा दे नाल कीती जांदी है, शरदा पैदा हो जाती है, फिर लिखे कोई कृपा हो जाए। देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो, हर संघासन दियो श्री गुरु तह बठायो, रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै, देवी देवते सारे ऐसा रहस विस्मादता, रहस कियो सुर देव ते होए जस जय जय जंपै, असर गए ते भाग भाव तिन भीतर कंपै, असर जड़े हन अपना राक्ष जां ओह अपवित्र रूहां ओह भज गए हन, क्योंकि ओह नेड़े नहीं आ सतगुरु महाराज दे चरण पए गए, उस असर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु रामदास जिन पायो, उन्होंने तो पाप खत्म हो गए जिन्होंने गुरु रामदास जी नूं पा लिया, जिन्होंने गुरु नूं पा लिया, गुरु के दर्शन कर ले। सो कहो टल गुर सेविया न सहसवाए, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए गुरु के दर्शन की तसीर, फल होवै सिवत कसम दी नूर अर सों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म, काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु रामदास जिन पायो। ये गल कित्थों दी चल रही है, छतर संघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो,
इधर मातलोक दे विच उहने मातलोक दी गल नहीं देवपुरी दी गल है वी इधर जिहड़ा है संघासन गुरु अर्जन देव जी नूं दे आए गुरु रामदास महाराज छत्र संघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को पृथ्वी की गल नहीं वह देवपुरी इधर पृथ्वी की गल पृथ्वी नूं देख के आ गए जिवें इत्थे ते उत्थे इहदा मतलब फर्क है ना छत्र संघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो गुरु रामदास महाराज पृथ्वी के उत्ते जिहड़ा छत्र है संघासन है वह गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं दे आए ते इधर देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो आप परमेश्वर नूं पाया वे देवपुरी राही इंद्रपुरी राही तुसीं हो के आयो हर संघासन दियो उत्थे संघासन दिता इंदर ने संघासन दिता अपना हर संघासन दी श्री गुरु तह बिठाया गुरु महाराज ने बेनती करके बिठाना किया संघासन महाराज तुसी इत्थे बैठो जड़े हन दूसरे जड़े हन भज गए असर गए ते पाग पाप तिन भीतर कंपै जो पाप ने ना कंबाउंदे ने फिर इंसान नूं कंबाउंदे ने इस करके नानक धर्म ऐसे चवैकी तो पवन पनीत सो इस करके जिथे गुरु जी चरण पा दिंदे ने जिथे सभे थाव नहीं तुत जे हिया जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावरा सत धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए गुरुद्वारे की सेवा संभाल वास्ते इन्ने शहीद हो गए आ महंता नूं कढ़दिया नारायण दास नूं कढ़दिया किन्ने शहीद हो गए भाई लक्ष्मण सिंह जी उन्हां नूं दरख्त दे नाल बन के पुट्ठा लमका के नीचे तो अग लगा दित्ती गई है दरख्तों दे नाल बन के ननकाणा साहिब फिर जे वह आम ही बिल्डिंगां ही सीगियां आम ही गलबात ही सीगी फिर उन्हां नूं इन्ने कष्ट सहारन की लोड़ सीगी हुक्म हो गया अकाल तख्त विच किसी ने हाथ नहीं चकना है ते किसी ने हाथ नहीं चक्या उधर गोलियां वर रही ने डांगा मार रहे ने ते अपना डांगा मार परंतु सिख के सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु अंग्रेज सीगा एक देख के कहिंदा मैं हैरान हो गया साडा एक ईशा शांति दे नाल सूली दे चढ़ गया इन्हां दी शांति तां ईशा नाल भी अगे है मैं कि एक ईशा नहीं मैं तां हजारां ईशा देखे सतनाम वाहिगुरु जप रहे ने डांगा चल रहियां ने गोलियां चल रहियां ने कृपाना चल रहियां ने परंतु कहिंदे मैं हैरान हो गया इन्हां दी शांति नूं देख के जिथे खालसे दे वीर रस नूं देख के जिहड़ी दुनिया जिहड़ी है हैरान हो जांदी है तलवार जदों अकाली फुल्ला सिंह वर्गां दी चलदी सी ना ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅਸਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੁੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੁੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਓ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਲ ਕਮਰ ਦਾ ਖੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਰੇ ਪੂਰੇਦਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਹ ਦੀ ਝਟਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਭਰੋਸਾ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਾਇਣ ਮਸੰਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਛੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਹੁਕਮ ਸਿਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਐਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਐਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਖੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋ
इस करके वह जड़ा है शांत रस सो वीर रस का जो भाई लक्ष्मण सिंह जी ने पुठे लमका ले गए दरख्त के नीचे जी अग बाल दी जिन्हू कहते जंडा नाल बन के साड़े गए गड्डिया हेठ लताड़े गए गड्डी आँदी है पंजा पंजा साहब अपना जोड़ा हैगा पटड़ी ते बैठ गए सतनाम वाहगुरु जपदे गड्डिया कटती जा रही है परंतु कोई उठ्या नहीं है हैरान हो गए ते देख गड्डी भी फिर अपने आप ही रुक गई ब्रेक आप ही लग गई लाइया नहीं उन्हें ब्रेक ब्रेक लग गई अपने आप ही क्योंकि संगत ने ठान लिया जे गिरफ्तार करके ले जा रहे इन्हों प्रशादा छकाना जिमें मर्जी छकाना है असं नहीं गड्डी रोक सकते बिल्कुल नहीं रोकनी है गड्डी हुक्म ही नहीं है अंग्रेज का हुकूमत गड्डी रोकनी नहीं अच्छा ना रोको गड्डी मोहरे बैठ गए तो ऐ कुछ अपना जो शहीद हो गए फिर गड्डी अपने आप ही रुक गई प्रसादे पानी छकाए सारे उन्होंने अपना जेलों में ले जाए रहा जा रहे ने यह जी ताकत यह जहा विश्वास सिखा दे सो हूँ जोड़ा है नास्तकता फैल रही है ना बाणी दे भरोसा गुरस्थाना की निंदा आपे करना कि सिख बड़ी हैरानगी की गल है सचखंड की निंदा कर रहे हैं तो इन्हों आम बिल्डिंगा दस रहे गुरस्थाना आम जड़े हैं किन्ना आम दुनिया आम महर माड़िया बाणी में लिखा है वो तो कख भी दे कख दे भी नहीं है आग लगो तिस धौल हर जे ना ही हर को नौ उन्हों धौलर मैलों करोड़ा अरबा खरबा के मैल ने अग लगी उन्होंने तो किसी काम दे नहीं जिथे परंतु परमात्मा का नाम गुरुद्वारे च की है भाई गुरु है परमात्मा का नाम है ये निरंकार बाणी है बाणी की है निरंकार है अकाल पुरख है सचखंड वसा निरंकार एवं नहीं लिखा होता है सचखंड दे विच क्योंकि वह निरंकार है गुरु ग्रंथ साहिब मारे सरगुण रूप है फिर तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तो होए समझाए भी जे शरीर करके होणगे तां ही है ना जे शरीर तो है नहीं देह तो सामने है नहीं फिर अखरां दा की फायदा होया भाई बाणी की है तो एक अखर ने नहीं गुरु जी कहिंदे दशमेश पिता जी नंद लाल साढ़े तीन रूप ने यह जो सामने दिख रहा साडा सरगुण रूप है जो बाणी है शब्द है नाम है वह साडा स्वरूप है निर्गुण सरगुण एक निर्गुण रूप है गुरु का परमात्मा का जोत स्वरूप है चक्कर चहिन तो रिया रै रूप न रेख न रंग त्रिगुण ते प्रपिन्न तिसा बजाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न तीसरा जो बाणी गुरु गुरु है बाणी वह भी मेरा रूप है वह भी मैं ही हाँ कोई आम अखर नहीं मैं ही हाँ कोई एवें नहीं कि किताब कोई लिखा अखर नहीं है बाणी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जिहड़ा शब्द है बाणी है यह भी परमात्मा का रूप है गुरु रूप है कि आम अखर नहीं है सो बाणी गुरु रूप है जे कहे भी बाणी के अंदर ताकत नहीं बाणी तो अखर ही ने बी अखर मत्थे टेकी जाओ किताबों मत्थे टेकी जाओ नहीं भाई ये निरंकार है यह अकाल पुरख का स्वरूप नाम की है परमेश्वर की कला परमेश्वर की शक्ति आम कोई उसनों समझ ले चार अखर ने यह दो अखर ने नहीं नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम दे आसरी ने ते हुण शरीर है शरीर इत्थे रह गया शरीर दे विचों जिहड़ा है आत्म जोत निकल गई है फिर जोत निकल गई है उसके अंदरों फिर की साडा वह अपना कुछ नहीं रहा रिश्ता खत्म हो गया फिर असी की शरीर दे शरीर नूं तां भोग दिंदे आ कि शरीर दे नाल ही साडा संबंध सीगा नहीं भाई जोत दे पुजारी जोत वह शक्ति ताकत शरीर के अंदर भी तो कोई शक्ति है शरीर के अंदर भी तो कोई ताकत है शरीर तो एक पंजा तत्तां दा पुतला है वह शरीर वह कि चेतन सत्ता विचों लई फिरदी है कि शक्ति है कि ताकत है जिहड़ी शरीर नूं लई फिरदी है देह नूं लई फिरदी है हुण आपां एक दूसरे दे नाल गलबात करदे आ शरीर तां जिहड़े हन आपणा बदल जांदे हन परंतु जड़ा अंदर अपना आत्म गुण संपन्न सर्वगुण संपन्न जड़ी आत्मा है तो वक्रा वक्रा सारे भी रब दे प्यार दा वक्रा सत्कार क्यों हुंदा है क्योंकि वह आत्मा जड़ी है शुद्ध हो गई वह बख्शिश दी पात्र बन गई नाम नाल जुड़िया ने सारिया नाम दियाँ वडियाईया हैं सो इस करके जिथे नाम नहीं है सो आग लगे तिस धौल हर जे नाही हर को ना जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोन चुबारे
जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जी। वह नगर उजाड़ने जिथे नाम ही नहीं है, ये नाम दियां वडियाईयां ने। नानक के घर केवल नाम, नाम दी जड़ी हैगी वडियाई है। इस करके गुरु महाराज ने तीन रूप दसे ने, वे सरगुण रूप का जो उन्होंने कार्य किए ने वह सरगुण रूप भी सत्कार योग है, क्योंकि उस तरह ही कार्य किए ने, बाणी भी उस तरह ही उतरी है। ते फिर निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तो है समझाए, सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन की अनानका आपे ही फिर जाप। इस करके ये भी अपना परमात्मा का रूप है, गुरु का रूप है, जो गुरु की बाणी है, शब्द है, परमात्मा का नाम। कोई आम कोई गुरु की बख्शद है, नाम दी ही बख्शिश करता है। नाम की है फिर इन्नी वड्याई क्यों है। हर के जन सतगुर सतपुरखा, विनो करो गर पास हम कीरे कर्म, सतगुर सरनाई कर दया नाम परगा। नाम दा परगास, नाम दी बख्शिश, नाम दी खैर, नाम दा दान मंगदे मंगया जांदा है। इस करके साड़ी ये समझ दे विच नहीं है, शब्द ते नाम दी जड़ी महिमा है जड़ी है, इस नूं समझण वास्ते गुरमत जड़ी है बहुत डूंगी है। गुरबाणी का जो विचार है, गुरबाणी का ज्ञान अगाध बोध है। सो इस करके जिन्हां गल्लां नूं असीं समझांगे यही गुरमुखताई का रास्ता है, गुरमत का रास्ता है। जे इस वडियाई नूं, इस सोभा नूं, गुरु घर दी सोभा नूं असीं समझिए बाणी नूं, ते आम उपरों उपरों गल्लां पकड़ के अपना जिहड़ा हैगा बस किताबी ज्ञान उपरों इधरों सुन लिया उधरों सुन लिया, कोई जिहड़ा हैगा सेवा नहीं, कोई सिमर नहीं। जिवें कल सुनिया सी पंडित नित्यानंद ने कहा मैं किवें जानना मतलब ये चीज़ां हुंदियां ने, गुरु जी कहिंदे भाई सेवा कर लै फिर, जे कोई परमात्मा नूं पाउणा चाहुंदा सिमरन कर लवे, गुरु वाला बन जाऊ गल्लां दे नाल। गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कहा भाई पंडित जी फिर तुसीं सेवा करिया करो, तुसीं सिमरन करिया करो। जे तुसीं कहिंदे जी अपने परलोक का रास्ता शास्त्रां 'च तां इस तरह लिखिया होया, तुहाडे सिख कहिंदे असीं पल विच उह कर सकदे हां, फिर असीं किवें मन लईए सुणिया दीप लो पाताल। गुरु महाराज कहिंदे भाई सेवा, फिर गुरु दिखा भी दिंदा ना, गुरु कृपा करदा फिर सब कुछ संशेषण के जिहड़े सब हड़ खत्म हो जांदे ने, जो बख्शिश हो जांदी है, कृपा दा पात्र बन जांदा है। फिर इस नूं सब फिर सतगुर की बाणी, सत सत कर जाणो गुर सिखो, हर करता आप मूहों कहे, तां हर ही करते ने आप मूहों कढाए होए ने। कहिंदे नहीं जी बाणी तो दरगाह तों आई नहीं, ये तां आम ही उचारण कीती होई। ਉਹ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਇਆ, ਵੀ ਹਰੀ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਮਗੇ ਭਟਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਨ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਅਸਥਾਨ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਮਜਾਰ, ਉਹ ਅਵਚਲੀ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸੂ
धन गुरु के प्यारे क्यों उन्होंने अपना इस चीज़ को चंगा समझ आए ये जड़ा है जो मेरा सीस भी लग जाए तो मैं घाटा नहीं है क्यों सी कोई एवें तो नहीं शरीर वारदा कोई बाबा दीप सिंह तो किड़ा सियाना होना है भाई उन्होंने बाबा दीप सिंह जी एक थोड़ो बाबा दीप सिंह ने कल ही थोड़े से हजारों की तादाद क्यों अपना लकीर टप गए लकीर गुरद्वारा साहब भाई हरिमंदर साहब वास्ते तुरना सीस तली ते रख के घर प्यारे ने घर मुड़ जाओ बच्चे प्यारे ने मुड़ जाओ घर लकीर खंडे बाही टिप्पणी है जे सीस जड़ा हैगा लाउणा गुरु रामदास महाराज जी के चरणों के सारे लकीर टप गए सारे लकीर टप गए लकीर साहब सो फिर क्यों हो उन्होंने अंदर वह क्यों सी ऐसा प्यार क्यों सी ऐसा सिद्ध क्यों सी ऐसा विश्वास अज के जड़े हाँ लोगों के किहोजी गल्लां जड़ियां फैल रही हैं सो इस करके ये जड़े अस्थान ने गुरुद्वारे हैं जो महाराज ने आप थापे ने आप बख्शिश कीतियाँ कृपा कीतियाँ जिथे जो बचन कहता वह सत है जिथे जो भी वचन कर दिता गुरु महाराज ने जिसे जिथे चरण पै गए ते इस करके क्यों पूजन योग हो गए ओह जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सोहावा राम राजे गुरसिखी सो थान भाले गुरसिखा ने थान भाले भाल भाल के भी लभे लै धूर मुख लावा क्यों उथे मथे रगड़ते ने क्यों धूड़ा लेंदे ने मथियां ते लाउंदे ने लै धूर मुख लावा गुरसिखा की घाल थाए पाई उन्हां दी जड़ी मेहनत कीती थाए पैंदी है मेहनत करते ने भाई अपना उन्होंने वास्ते कोई सो आम जगावा नहीं हैं आम बिल्डिंग नहीं हैं भाई हरिमंदर साहब की तो महिमा ही अपरा पारा बाणी दे विच लिखी हुई है सो लै धूर मुख लावा गुरसिखा की घाल थाए पई जिन हर नाम दिया जिन नानक सतगुर पूजया गुरु की पूजा ना करो भाई इनू तुसी बस किताब वांगू पढ़ लो है तो ये जड़ा हैगा तो बाणी दे उत्ते माला ना पाओ तुसी आए ना करो महाराज जिन नानक सतगुर पूजया पुजारी पुजारी कह के जड़े हैं भाई निंदा करते हैं जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा उन्हां दा भी सत्कार होंदा ना उहदी भी पूजा होंदी है सो सतगुर दा सत्कार नमस्कार करनी फुलां दी वरखा करनी ये सब कोई मनमत नहीं है गुरु का सत्कार करना हर चीज़ से संसा शंका पैदा हो गई बाणी दे विच की लिखा है भाई सतगुर पूजो भाई सतगुर की पूजा की सतगुर का सत्कार सिख नहीं सी करते गुरु नानक पातशाह का गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का कि सिख बार नहीं सी जाते कि प्रकरना नहीं सी करते कि मत्थे नहीं सी टेकते कि नमस्कारा नहीं सी करते वो कुर्बान हो जाते गुरु तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का मतलब फिर गुरु नहीं है सो गुरु ग्रंथ साहब महाराज नमस्कार करनी सत्कार करना तो जो कुछ भी जड़ा है उन्होंने बार नहीं जाना उन्होंने स्थानों तो बार नहीं जाना गुरुस्थानों तो बार नहीं जाना ये गुरमत है तत् गुरमत है ये प्यार है जो सा बजुर्गों ने वो अपना ऐसे प्यार वाले सब विवेक बुद्धि के मालिक से वह इस करके वह कुरबान हो गए अरदासा में इस करके जड़े हैं ना आते हैं सो ये जड़े हैं पूजन योग ने गुरु के अस्थान भी जड़े हैं गुरु की बाणी गुरु का स्वरूप है बाणी गुरु का स्वरूप है हरिमंदर इस करके महाराज ने कहा साडा रूप है सो जिवें खालसा मेरा रूप है परंतु ये गल्लां समझ विच जड़ी हैं अशरदकां दे नास्तकां दे गल्लां समझ विच नहीं पैंदियां पहलां तां शरदा विश्वास प्रेम संगत करे उसनूं खोजे फिर सेवा करे प्रैक्टिकल धारण करे सिमरन करे बाणी पढ़े नाम जपे फिर बख्शां हुंदियां हन सो इस करके जो पंजां खंडां दा वर्णन भी जो आया है सो उत्थे तक जिहड़ी रसाई है ते किन्हां दी हुंदी है ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲਾਗੇੜਾ ਖੇਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸੱਚ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ
सो इस करके सत है भाई गुरमत का मार्ग है प्रेम का मार्ग है। जे तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मोरी आओ पहला मरण कबूल जीवन की छडा हो सवन की रेण का तो हमारे पास। सो इस करके बहुत भागा वाले हाँ असं जिन्हों ये मार्ग मिले संगत मिली है गुरु मिलया है सतगुर सच्चे पातशाह मेहर कर। सो इतें जी है विचार करते हैं कुछ गुरमत विचार आ जाए हैं कि गुरमुख सिक्ख्या जिस गुरमत विचार जो कह सकते हैं सतगुर सच्चे पातशाह मेहर कर कृपा कर भुना चुकों की माफ़ी बख्शिश कर सू यहा अतुट शब्द अतुट विश्वास प्रेम क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलना जो गलों बातों के भाई असी खो लिया इस नहीं सत्संगत महान है सेवा महान है सिमरन महान है गुरु रब है भाई गुर परमेश्वर एक हो जान दशमेश पिता पिता जी के बचन जो हमको परमेश्वर है गुरु जी की निम्रता है भाई निर्माणता मिले हुए सी। सो सुनते सी मतलब जोड़ा हैगा तुम काक सुंड वाला सुनिया कि उत्थे तक हो गए गुरु महाराज की वार्ता होंगी है काक सुंड हेमकुंड साहब तो भी अगे कितने तक ध्रुव दे देश तक जाते हैं जन साखियाँ जे कोई झूठ नहीं लिखा कपौड़े नहीं मारे हुए परंतु सतगुरां दी रसाई सी भाई वह किवें भी जा सकते सी ले जा सकते सी लोकी जड़े हैं नन्हे हुए मखौलां करते हैं टिचरां करते हैं एवें किवें चले जाएंगे एवें किवें हो सकता है है मच्छी ते चले गए हो उड़ के चले गए फलाना चले गए गुरु तुसी आम इंसान ही समझो उन्होंने अंदर कोई शक्ति ताकत नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया है लखां कास लखां पाताल तक बाणी नूं भी नहीं मानते तुसी भाई गुरदास नूं भी नहीं मानते हैं सारिया बातें भाई गुरदास जी ने लिख दित्तियां ने सिद्धां दे नाल जोगियां दे नाल जोगी उत्तर प्रश्न होए जो करामातां शक्तियां वह सारिया जिहड़े भाई गुरदास जी ने लिख दित्तियां अपना मक्के की वार्ता जिहड़ी है वह भी फिरिया मक्का कला दिखारी लिख दिता है जे फिर इधर मतलब कोई मनता नहीं है भाई फिर वह अशरदक है तो नास्तक बंदा है जिसनों विश्वास नहीं गुरु ते है भरोसा नहीं है तो अपने आप में वड्डा समझदा है गुरु तो भी वड्डा समझदा है। सो इस करके जो लोगों तो बचना चाहिए सतगुर सच्चे पातशाह साढ़े ते मेहर करन सानूं पूरन शरदा विश्वास प्रेम की दात बख्शिश कर। सो ये जड़ा है अज का जिहड़ा विचार सी सर्वखंड जड़ा है तीसरा खंड जड़ा उसकी विचार सर्वखंड की बाणी रूप तिथकार तकड़िया बहुत अनूप। सो भुला चुकां दी माफी सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर तिथ कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथ कड़िए सुरा सिद्धा की सुध हे अजुत हे पार ब्रह्म अवनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन गुण दास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार हे संता के सदा संग निदार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं को नानक दीज नाम दान रखो ही है प्रोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी उठाकर।